अब्बास भाई चितलवाला और फरीदा बहन चितलवाला ने एक यूनिक काम शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि SBUT भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि भिंडी बाजार की जो स्पेशलिटी है वो पूरे वर्ल्ड में बिजनेस के तौर पे जाना चाहिए। तो उन्होंने भिंडी बाजार.com शुरू किया और आज उसका उन्होंने एग्जीबिशन किया। इस एग्जीबिशन में भिंडी बाजार के लोग हैं, भिंडी बाजार के बाहर के लोग हैं, यहाँ तक कि दुबई से लोग आए हुए हैं और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट अवेलेबल है। इनका मकसद ही ये है कि ऑनलाइन को इस्तेमाल करके लोगों तक जेन्युइन चीज़, फिर वो शहद हो, फिर वो केरबा हो या कपड़ा हो, ये लोगों तक पहुंचाने का काम, और उसके साथ साथ में लोगों को ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले, किफ़ायती दाम में मिले, यही भिंडी बाजार.com का मकसद है। और मैं उनको गुड विशेस देता हूं। आज उन्होंने यहाँ पे मुफद्दल आर्केड में जो एग्जीबिशन किया है वो उनके लिए उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं खास करके एग्जीबिशन के लिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और लोगों को किफ़ायती दाम में प्रोडक्ट खरीदने के लिए ये भिंडी बाजार.com जो है एक बहुत बड़ा टूल है। इससे लोगों को फ़ायदा होगा और जो प्रोडक्ट बेचने वाले उनको भी फ़ायदा होगा। बाहर हमने देखा कुछ पुरानी नोटों 500 और 1000 की जी अच्छे से बनाया, जो आप पुराने सिंगर के डेट ऑफ बर्थ से जी मैंने देखा, मैंने और भी कहीं इसको देखा था कि इस तरह के पुरानी नोट, पुराने कॉइन्स और 31 जो नोटों की गड्डी होती है उसमें से एक चीज़ें बनती है। तो कई प्लेबैक सिंगर के नाम पे है, कई जो है सैदना साहब के नाम पे है और पुरानी कॉइन 1947 की कॉइन एक यूनिक चीज़ है। यानी गिफ्टिंग के लिए मैं बताया, जैसा कि आपको यहाँ पर ऑल ओवर की वैरायटी है। जो आपने वो कॉइन्स का और नोट का कलेक्शन देखा, मुझको लगता है कि रेयर कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। तो भिंडी बाजार.com के हमारे जो अब्बास भाई चितलवाला है, फरीदा बहन चितलवाला, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड विशेज, थैंक यू। मुफद्दल सैफुद्दीन अतानुल्लाह वक़ार शरीफ, जो व्यापार के लिए हमारी कौम को ख़ास जो फरमाते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन है। और इन्होंने भिंडी बाजार.com ने जो एक स्टेपिंग स्टोन में सबकी यारी दी है, अल्लाह ताला सबको बरकत दे और व्यापार करने में यारी दे। और जो ये प्रोडक्ट्स है, जो एक लाइमलाइट मिल रही है, उनसे सबको फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला बहुत की बरकत दे। हमने देखा कुछ नहीं, ये जो व्यापार कर रहे हैं, जब कहीं ये स्टॉल्स ये हो घर से ही व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, तो इन लोग का जो एक ये आइडिया थी, कौम की बेबूदगी भी हो रही है, उनको भी जो व्यापार कर रहे हैं उनमें भी फ़ायदा है। और शहजादा कैजोर भाई सब उनको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ये मुफद्दल आर्केड में भी जो व्यापार का जो था, जो भिंडी बाज़ार में कर रहे थे, तो उन लोग के लिए एक ये बन गया है शॉपिंग सेंटर, जो वहाँ से व्यापार यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एक व्यापार की हैसियत से इन लोग को फ़ायदा हो रहा है। और छोटे छोटे जो व्यापारी है, जो घर से कर रहे हैं, तो उन लोग को ये एक्सपोजर मिल रहा है, उनका व्यापार ज़्यादा होगा। आने वाले समय में भिंडी बाजार.com को आपकी तरफ से किस तरह की सहायता मतलब मिलने की उम्मीद है? अभी इन लोग को जो चाहिएगा, जो सवाल करेंगे, शाह साहब ने तो अभी बहुत उनको इतने 7 महीने में उन लोग ने 3 या 4 एग्जीबिशन किए हैं और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिला है और आइंदा भी ऐसे ही मिलता रहेगा, हमारा सपोर्ट मिलता रहेगा इंशाल्लाह। शेयर साहब ने फरमाया, मुझे भी कल रात को आया फ़ोन के, भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, आप जाना। और अमीन भाई भी तशरीफ़ लाए और बहुत खूबी से हुआ है एग्जीबिशन और इंशाल्लाह 2 दिन तक रहेगा। एक ये हमने कोशिश की है कि एक भिंडी बाजार का फील एक एग्ज़िबिशन के माध्यम से दिया है हमने। और असल मकसद ये है कि भाई जो भिंडी बाजार की पुराना कल्चर और ट्रेडिशन है उसको एक रिटेन किया जाए ऑनलाइन वर्चुअली, और उसी मकसद से हमने भिंडी बाजार.com चालू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा बढ़ रहा है वहाँ। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बिजनेस आज लोग करें। भिंडी बाजार.com एक बहुत ही खूबीदार नाम है जो कि वर्ल्ड फेमस है, तो वो उसके लिए हमने ये नाम भी चुना हुआ है। किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शहजादा कायद जौहर भाई साहब ने हमको ये जो अलाउ किया मुफद्दल शॉपिंग आर्केड में करने के लिए, ये बहुत बड़ा एहसान है उनका और आली कदर मौला सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन तौला उमलुख शरीफ की का एहसान है। उनकी दुआ है कि ये इंशाल्लाह बहुत हिट ही जाएगा, अच्छा ही जाएगा। लेकिन हमारा जो मकसद है कि बिज़नेसेस को ऑनलाइन करना चाहिए और इस तरह से अपना बिज़नेस सबको बताना चाहिए कि भाई हम जेन्युइन लोग हैं, वो बस कामयाब हो जाए, ये सबसे दुआ की उम्मीद है। आने वाले टाइम में कुछ